हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको व्हाट्सएप के एक हिडन सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जो कि बेहद खास है। उसके बाद आप लोग वो सेटिंग ऑन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप लोग मतलब सबका राज खोल सकते हैं, पोल खोल सकते हैं और अपना भी पोल खोलने से बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल वाले ऑल बटन को क्लिक कर ले। मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले चली जाए। चैनल को लाइक करना ना भूले। कमेंट में जाकर के आप लोग को लिखना है व्हाट्सएप सेटिंग, व्हाट्सएप लिख करके यहाँ पे कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सिंपली हम लोग को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे आ जाना है। तो व्हाट्सएप पे आने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ जैसे अपना व्हाट्सएप ओपन किए, तो ओपन करने के बाद आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होगा, या आपकी गर्लफ्रेंड होगी या आपकी फ्रेंड होगी, जो भी होगी। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपसे फ़ोन मांगता होगा कि लाओ भाई मैं तुम्हारा फ़ोन देखता हूँ, आप अगर उसी बीच में अगर किसी का मैसेज आ गया और मैसेज आने के बाद आप सीन नहीं कर पाए, उसको दे दिए फ़ोन और वो बंदा आपका चैट नहीं देखे, आप इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे ना, तो वो बंदा आपका चैट नहीं देख पाएगा। तो वो सेटिंग क्या है फ्रेंड्स? तो वो सेटिंग ये है कि फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे अपने ये चैट सेक्शन पे जाना है और कोई भी फ्रेंड्स का यहाँ पे देखिए लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आर्काइव का सबसे नीचे यहाँ ये हाइड का ऑप्शन आ जाएगा, एरो का। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली ये एरो पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, कोई का भी मैसेज आएगा ना तो वहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा आपका फ्रेंड्स, कोई भी मैसेज चेक कर नहीं कर पाएगा, यहाँ पे प्रोफाइल पे शो नहीं करेगा, उसका मैसेज शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फिर चाहते हैं उससे मोबाइल, अपने फैमिली मेंबर से मोबाइल ले लेना और फिर आप लोग चाहते हैं उस चैट को दोबारा पढ़ना, तो हम लोग सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल और करना सबसे नीचे, और यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आर्काइव्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ एक बंदे को मैंने हाइड किया है, तो हाइड करने के बाद उसको अनहाइड कैसे करना है, तो अनहाइड सिंपल है, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पे फिर सिंपली एरो ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ एरो है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करते ही फ्रेंड्स, देख लीजिए सबसे ऊपर उन बंदे का चैट आ जाएगा और आप जाकर के वहाँ पे सिंपली उसका चैट पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तो फ्रेंड्स दूसरा सेटिंग ये है कि दूसरा सेटिंग क्या है, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे फ़ोन लॉक रहता है, तो फ़ोन लॉक रहता है और कहीं पर आप लोग जा करके चार्जिंग में लगा दिए फ़ोन या किसी फैमिली मेम्बर के पास दे दिए और वो फैमिली मेम्बर के पास फ़ोन रखा रहता है आप लोग का, और यहाँ पे आप लोग को कोई मैसेज करता है आपके फ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे ऊपर में शो कर जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ ऊपर में शो कर जाता है और वहाँ पे पता चल जाता है, आपके नंबर से सेव हो जाता है कि भाई इस बंदे का मैसेज आया है, जिस टाइप से अभी शो हुआ है उस टाइप से कि इस बंदे का मैसेज आया। तो सिंपली आप लोग को एक सेटिंग ऑन कर लेना है, तो वो शो नहीं करेगा, नाम भी शो नहीं करेगा, बस शो करेगा कि उसका मैसेज आया है। तो मैसेज किसका आया वो सामने वाले बंदे को पता नहीं लगने वाला। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ थ्री डॉट है, यहाँ पे थ्री डॉट को पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ सेटिंग है नीचे में, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंट आएगा, अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी है, प्राइवेसी में क्लिक कर देना है। सबसे नीचे फिंगरप्रिंट लॉक है फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट लॉक है, यहाँ पे हम लोग को उस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांगेगा आपका, फिंगरप्रिंट ले देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको क्या कर देना है हम लोग को, डिसेबल। तो जैसे ही हम लोग डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने कट किया तो यहाँ पे मैसेज करेगा कोई भी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स शो कर जाएगा, तो शो कर जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज अगर आपको शो नहीं करना है तो यहाँ पे इसको हमको इनेबल कर देना है, और जैसे ही इनेबल करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैसेज आएगा, तो उस बंदे का नाम नहीं शो होगा, बस दिखाएगा कि इस मतलब एक मैसेज आया। तो मैसेज किसका आया वो शो नहीं करेगा, नाम आप कॉन्टैक्ट जो सेव करते हैं वो शो नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाकर के फॉलो कर ले, मैं वहाँ पे भी बहुत सारा अट्रैक्टिव और मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ और टेक न्यूज़ के अलावा भी बहुत कुछ वहाँ पे डालता हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे भी सीखने का मौका मिलेगा कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।